यह बस्तर और इस देश का सौभाग्य है, इतने बड़े समस्या के खिलाफ में एक एडवांस और शिक्षित तथाकथित सभ्य समझे जाने वाले समाजों की तुलना में पहल और प्रयास वहां शुरू हुआ है। समझ गए? अच्छा, कर्मकर एक बात में खास तौर से जानना चाहूंगा कि आपके राजनीति में आने से पहले की अगर बात देखा जाए, तो काफी लंबा समय हो गया आपको राजनीति में, उससे पहले जो नक्सलवाद जिस तरीके का था उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। मैं समझ गया, जैसे आपके राजनीति में आने से पहले जो मैंने जो मेरा अपना अध्ययन है, नक्सलवाद काफी था बस्तर में, लोग काफी लोग एक तरीके से भयभीत रहा करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आप जिस तरीके से जो आपकी कार्य प्रणाली है, काम करने का जो तरीका है, काफी कमी हुई है उस क्षेत्र में, आपका क्या मानना है? देखिए कि उस क्षेत्र के लोग एक संगठित शस्त्र बलों के खिलाफ में जी है ना, नक्सलवाद एक संगठित एक अर्धसैनिक शस्त्र बल है, उसके खिलाफ में लोग उठ खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि जनता की अपने आप में बड़ी जीत है। मैं दाऊद दिल्ली मतलब बॉम्बे में थे, पूरा बॉम्बे सामा रहता था, और आज भी इस प्रकार के टेररिज्म से मतलब समय में रहते हैं। लड़ाई लड़ा क्या? कोई नहीं लड़ा। फिर तो आज यहाँ का आदमी इस प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है, ये सबसे बड़ी बात है, और हमारे पूरी लड़ाई की सबसे बड़ी उपलब्धि भी यही है कि आतंकवाद बंदूक लेकर सामने खड़ा है और तब भी उसका प्रतिरोध करने का मादा वो रखते हैं। अभी नक्सलवाद तो एक समस्या बस्तर की पूरी की नहीं, जो राष्ट्र की समस्या है, एक तरीके से जो आतंकवाद अगर इसको बोला जाए तो पूरे देश की समस्या है। उसके अलावा अगर हम देखे जाए दंतेवाड़ा की बात करें, तो दंतेवाड़ा में बहुत सारी समस्या ग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से ही दंतेवाड़ा के पृथक जिले का दर्जा मिला 1996 और अभी उसी जिले का फिर से बटनवाला होकर फिर से नया एक जिला बीजापुर बना है, और ये समस्या मतलब ये क्षेत्र बीसियों साल से नस्ली समस्या से प्रभावित होने की वजह से वहां पे कम्युनिकेशन संचार सुविधाएं संसाधन शिक्षा स्वास्थ्य कृषि एवं सिंचाई बिजली आदि से प्रभावित जिला है, और ये तमाम विकास के कार्य ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, किसी जादुई छड़ी से रातों रात इसका निराकरण नहीं किया जा सकता। फिर वो अपने आप में अनुसूचित और पिछड़ा क्षेत्र है,
जिसको दूर करने का लगातार हम लोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। गवर्नमेंट के जो वादे हैं, अगर एक सर्वे किया जाए बीजेपी गवर्नमेंट की, हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर उनके एक तरीके से सर्वे किया जाए तो उनके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता उनके वादे खोखले से हो रहे हैं? वो अपने बीजेपी लिख नहीं पा रहे। बीजेपी पार्टी के रूप में सत्ता में आने के लिए अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में प्रचारित किया। संकल्प का भाव या शब्दार्थ जो होता है वो एक ठोस दृढ़ निर्णय, पक्का, मतलब आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, मतलब हाँ, यस यस। लेकिन इन लोगों ने इस शब्द को भ्रामक, झूठा सिद्ध कर लिया है और आने वाले लोग भाजपा की इस चीटिंग के चलते कम से कम किसी भी राजनीतिक दल के संकल्प या नेता के संकल्प पर शायद ही भरोसा कर पाएंगे। इसने समाज के हर तबके के लिए वादा किया, किसानों का कर्जा माफी, आदिवासियों को गाय देने की बात, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात। बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे बीजेपी के जो वादे हैं वो खोखले, सरकार तो चले किनारे पर भी आ चुके हैं, तीन चार साल पूरे हो चुके हैं, तो किनारे पर। जब साक्षात्कार ब्यूरो की टीम ने, साक्षात्कार.com ने एक सर्वे किया अपने बस्तर एरिया का, तो वहां के ग्रामीण अंचलों की बात कर रहा हूं मैं, दूर ग्रामीण के अभी भी लोग दो चूट की रोटी के लिए तरस है। आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो इन सब चीजों से क्या निराकरण मिल सकता है क्यों हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए? क्यों नहीं, जरूर मिल सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हमारी कांग्रेस का है। इसका लाभ कांग्रेस को न जाए न मिले ये सोचकर वो दूरांचल क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का विकास कार्य करना नहीं चाहता या रोजगार दिया जाने वाला ऐसा कोई भी काम वो देना नहीं चाहता। ये तो यह पहली योजना है जो डिमांड बेस है। नहीं तो तमाम योजनाएं अब तक सरकार की जो है, मतलब वो सरकार के मध्य पर हुआ करते थे कि मतलब मांगोगे तो सरकार चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, है ना। ये तो डिमांड है, अगर आपने मांग लिया 50 मजदूर मिलकर अगर जिनका पंजीयन हुआ तो आपको काम देना पड़ेगा, अगर आप काम नहीं दे सके आप उनको बोनस देना पड़ेगा घर बैठे। तो इतना अच्छा कानून का क्रियान्वयन नहीं कर सकने के वजह से ही ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है जैसे कि आपने कहा। एक चीज और देखिए कि जब सर्वे किया गया तो वहां पे दो चूट की रोटी के लिए तो हमारे आदिवासी भाई तरस रहे हैं, जिनके नाम पर बहुत सारा फंड है और बहुत सारी जो जमा पूंजी चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो वो सब इधर उधर जा रही, उन तक नहीं पहुंच रही। क्या कारण है कि जो आदिवासियों के नाम पर और अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर इतना पैसा आता है, देश से नहीं बाहर से भी आता है, वो पैसा उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए ये सब सबसे जो भी सरकार में रहेगा वो केंद्र से या देश के बाहर से या राज्य सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रावधानों का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, कोई अलग से एजेंसी आकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा।
तो वैसे भी बीजेपी के 4 साल के कार्यकाल में हमारा जो सरकारी मिशनरी का जो सेटअप है वो डिस्फंक्ट हो चुका है, मतलब अपंग हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है, और जो भी हो रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है। इसीलिए आम आदमी तक, जरूरतमंद व्यक्ति तक ये योजनाएं और योजनाओं के माध्यम से उनको रोजगार और रोजगार के माध्यम से उनको रोजी रोटी नहीं मिल पाती। आपको ऐसा लगता है कि अगर एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी की सरकार में अपंगता आ गई है, क्या वो अपंगता पूर्णतया दूर हो पाएगी? क्यों नहीं, वो तो प्राइम चेयर के कमांड पर निर्भर करता है कि आप अपने राज्य को कैसा ले जाना चाहते हैं, किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन आप कैसा करना चाहते हैं, ये तो कार्यशैली पर निर्भर करता है। हेलो, क्योंकि खासतौर से आप ऐसे क्षेत्र से हैं और आदिवासी क्षेत्र को देखते हैं, उनकी समस्याएं तो बहुत है, अगर गिनती लगाई जाए उनकी परेशानियों को आकलन किया जाए तो बहुत है। बीजेपी की सरकार में सारे वादे खोखले हो चुके हैं। एक बार फिर से मेरा प्रश्न दोबारा बोलिए, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो महेंद्र शर्मा जी अपने क्षेत्र के लिए वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आज तक बीजेपी की सरकार में वहां के लोग नहीं कर पा पाए, तो आप करवाओ? देखिए, कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं, हम पूरे राज्य के लिए वो करके बताएंगे जो बीजेपी ने करके नहीं बताया है। कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो सबसे पहले तो हम नक्सली समस्या को खत्म करेंगे, हम गांव गांव तक रोजगार मुहैया करवाएंगे, और जो भी इनकी फौरी समस्या है वो हमारी सरकार की प्राथमिकताएं होंगी। चलते चलते जनता दंतेवाड़ा के लिए, वहां के लोगों के लिए, जो देखो यार, अभी मैं सीएलपी लीडर हूँ, समझ गए ना, अब मेरा जो कार्य क्षेत्र है सिर्फ ये क्षेत्र के लिए नहीं रहा, नहीं अब हम लोग जो भी सोचेंगे राज्य के लिए, राज्य के लिए, तो उनके लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे वहाँ के लोगों के लिए, शुभ संदेश ये है कि ये 4-5 साल उन लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया है बीजेपी को, अब आने वाले दिनों में वो कांग्रेस को ले आए, ये मेरी शुभकामना है। अभी हम जो बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ और दंतेवाड़ा के एक ऐसे मजबूत नेता से बात कर रहे थे जो सत्ता में ना होते हुए भी वो सब काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपसे महेंद्र शर्मा जी, अगले अंक में एक बार फिर से हम मुखातिब होंगे किसी ऐसी पर्सनैलिटी से, तब तक लिए थैंक यू।